दोस्तों, अगर आप अपने चैनल को अगर किसी बड़े क्रिएटर से अगर आप बोलेंगे कि मेरे चैनल को चेक करो कि मेरे चैनल में क्या प्रॉब्लम है जो कि मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो उसका वो आंसर क्या देगा पता है? वो आपको क्या आंसर करेगा? वो आंसर आपको करेगा कि अगर आपको अपने चैनल में व्यूज बढ़ाना है, अगर आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले अपने चैनल में रेगुलर रहना होगा, और दूसरा क्या करना है, आपको अपने वीडियोस को इम्प्रूव करना है, यानी कि आपको अपने जो कंटेंट होता है वो बढ़िया कंटेंट अपलोड करो अपने चैनल पर। वो दो ही बातें आपको बताएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे जो कि यहाँ पे लगभग आपको जितने भी क्रिएटर होते हैं, सब कोई आपको बताएगा कि अपने चैनल पर रेगुलर रहो, यानी कि अपना जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेनेंस करके रखो। अगर आप डेली वीडियोस अपलोड करते हो तो डेली वीडियोस अपलोड करो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और आपको अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन जाके वहाँ पे लाइव आपको दिखाऊंगा, जो कि हम अपने YouTube चैनल पर अगर रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं तो इसका मुझे क्या बेनिफिट होता है, या फिर बेनिफिट मिलता भी है या फिर नहीं मिलता है, ये भी आपको बताऊंगा और लाइव आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, बहुत सारे जो क्रिएटर बताते हैं जो कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करने से चैनल का ग्रोथ होता है, तो क्या सच में ये काम करता है या फिर नहीं करता है, तो मैं लाइव आपको अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में जाकर दिखाऊंगा। और दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर अगर कुछ दिन रेगुलर नहीं रहते हैं तो इससे आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या आपका व्यूज डाउन होता है या फिर नहीं होता है, तो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी चैनल पर अगर व्यूज बढ़े, अगर आपके सारे वीडियोस में अच्छा खासा व्यूज आए, तो इस वीडियोस को आप लास्ट तक देख कर जाइए। 100% आपका व्यूज इंक्रीज होगा, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है, चलिए इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का यहाँ पे विनर देख सकते हैं, तो इस भाई का चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ एंड अपने कम्युनिटी पोस्ट में, अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसके चैनल को सपोर्ट करो। और दोस्तों, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर चाहते हैं, अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्यारा सा कमेंट कर देना। उसके बाद दोस्तों, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर आते हैं तो आपका चैनल का लिंक मैं एक साथ तीनों जगह प्रमोशन कर दूंगा। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना मोबाइल स्क्रीन को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, जो कि मैं अपने चैनल पर जब भी रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मेरे चैनल पर उससे कोई इफेक्ट पड़ता भी है या फिर नहीं पड़ता है। और बहुत सारे जो क्रिएटर आपको बताता है कि अपने चैनल पर आप रेगुलर रहिए, तो चलिए इसको मैं आपको लाइव यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन इसको दूर कर देने वाला हूँ कि आपको अपने चैनल पर रेगुलर रहना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन को निकाल लेता हूँ पहला काम। अब जैसे मेरा YT स्टूडियो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होता है, तो पहले तो आप यहाँ पे देखते हैं मेरा जो व्यूज होता है 28 दिन में, तो 1 मिलियन प्लस चल गया है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं व्यू मोड पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, आपको पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने चैनल पर रेगुलर नहीं रहते हो तो इसका आपको क्या होता है, और रेगुलर रहते हो तो इसका क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, 3-4 ऐसे चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि रेगुलर रहने से वो होता है और नहीं रहने से वो नहीं होता है। तो पहला दोस्तों, यहाँ पे मैं व्यूज को दिखाता हूँ। अब व्यूज आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखते हैं 28 दिन यहाँ पे सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मैं पहला काम क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे 90 डे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों, 90 डे से आप देख सकते हैं मेरा जो व्यूज होता है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये रेगुलर रहने के कारण। पहला फायदा आप यहीं पे देख लिए कि अगर मैं अपने चैनल पर रेगुलर रहता हूँ तो ये बेनिफिट होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लास्ट 365 यानी कि एक ईयर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं मैं अपने चैनल पर पहले रेगुलर था, यहाँ से आपको यहाँ तक जो मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं रेगुलर था अपने चैनल पर, तो काफ़ी मुझे अच्छा इस टाइम भी बेनिफिट मिला था, मेरे चैनल का ग्रोथ ऊपर चल गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर काम नहीं कर पाता था कुछ काम के कारण, तो उसके बाद देख सकते हैं मैं रेगुलर नहीं था, तो इसका नतीजा क्या हुआ, मेरा चैनल धीरे धीरे नीचे चल गया, यहाँ पे सबसे नीचे आ चुका है। अब दोस्तों, मैं क्या हुआ कि उसके बाद मैंने फिर से अपना एक बार जोर लगाया, और जोर लगाने के बाद देख सकते हैं मैंने एक बार जोर लगाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक बार पावर लगाया अपना पूरा पावर, तो देख सकते हैं फिर एक बार मैंने अपने चैनल को इतना ग्रो किया जो कि यहाँ पे प्रतिदिन 18,000 व्यूज आ रहा था मेरे चैनल पर। लेकिन दोस्तों, उसके बाद लोग यहाँ पे ढीले हो जाते हैं, जितने भी यूट्यूबर होते हैं एक दिन ना एक दिन वो ढीले हो जाते हैं, तो मैं भी कुछ इस प्रकार से काम में ढीला कर दिया था और दोस्तों मैं फिर से रेगुलर होना बंद कर दिया, और देख सकते हैं यहाँ पर फिर से मेरा व्यूज यहाँ पे नीचे ग्राफ आ गया, 14,000 आ गया। तो ये हुआ। अब दोस्तों, मैंने क्या किया, मैं फिर से अब मैं ठान लिया कि यूट्यूब पर काम करना है, और मेरा काम क्या है, एक छोटे क्रिएटर को हेल्प करना, तो मैंने ठान लिया कि हेल्प करूँगा तो मैंने क्या किया, बाकी के सारा वीडियोस को भी डिलीट किया, बहुत सारा वीडियोस डिलीट किया इसी कारण से, ताकि मुझे
एक जैसा सब्सक्राइबर मिले। अब मैं बताऊंगा उस ट्रिक को बाद में आपको कभी, जो कि आपको कैसे करना चाहिए, आपको अपने चैनल पर कौन सा वीडियोस डिलीट करना चाहिए अगर आपको एक रियल सब्सक्राइबर चाहिए तो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद मैंने जब दोबारा काम करना स्टार्ट किया, यानी कि रेगुलर अगर आप मेरे चैनल पर अभी अगर वीडियोस निकालेंगे तो आपको लगभग एक भी दिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कि उस दिन मैंने वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पर। किसी दिन आपको दो वीडियोस मिल जाएगा, किसी दिन तीन वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको एक वीडियो कम से कम तो डेली मिलेगा प्रतिदिन। तो मैंने जो कि यहाँ पे डेली वीडियो डाला, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चैनल का जो ग्राफ होता है, मैं बहुत खुश हो गया। 7000 से लेकर यहाँ पे चल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 54000 व्यू चल गया एक दिन का। लेकिन दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं मेरा फिर से यहाँ पे ग्राफ नीचे आया है। तो इतना ग्राफ नीचे ऊपर होते रहता है, इतना ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है। ये ग्राफ क्यों हुआ है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस को, जो लेटेस्ट वीडियो है उसको अच्छा से नहीं अपलोड किया हूँगा, इसलिए ये काम हुआ है। तो यहाँ पे पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपके चैनल पर सच में व्यूज इंक्रीज होता है। अगर आप रेगुलर रहते हो अपने चैनल पर, सच में व्यूज इंक्रीज होता है। अब दूसरा आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है पता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपना चैनल के यहाँ पे रीच वाला ऑप्शन पर। तो रीच वाला ऑप्शन पर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ट्रैफिक सोर्स जो मेरा था। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ 28 दिन का जो ट्रैफिक सोर्स है, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जो व्यूज आता है मुझे ब्राउज फीचर से, YouTube मेरे वीडियोस को रिकमेंड करने लगा है। YouTube मेरे वीडियो को रिकमेंड करते हैं, इसके उसके पास भेजते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर आपको मैं पहले दिखाऊंगा, जिस टाइम मैं रेगुलर नहीं था अपने चैनल पर, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ आज से कुछ दिन पहले, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जैसे कि जुलाई 2021 को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, कुछ महीना पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टोटल ट्रैफिक सोर्स क्या था, YouTube सर्च। दोस्तों YouTube सर्च से मेरा वीडियोस पर जो भी व्यू जा रहा था हल्का फुल्का, वो YouTube सर्च से ही आ रहा था। लेकिन दोस्तों जब मैंने अपने चैनल पर रेगुलर काम किया, डेली वीडियो अपलोड किया, तो उसके बाद मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मैं यहाँ पे 90 डे चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर अभी भी YouTube सर्च है, क्योंकि पहले भी मेरा YouTube सर्च से आ रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 28 दिन इस मंथ का, तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मुझे व्यूज मिलता है ब्राउज फीचर से। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप रेगुलर रहते हैं तो, आपका चैनल का जो वीडियोस होता है वो ब्राउज फीचर में भेजने लगता है YouTube, क्योंकि आप रेगुलर काम कर रहे हो इसलिए। और तीसरा बेनिफिट क्या होता है पता है दोस्तों, अगर आप रेगुलर रहते हो अपने चैनल पर तो आपका ऑडियंस जो होता है, ऑडियंस को एक ट्रस्ट हो जाता है आप पे, जो कि ये अपने चैनल पर डेली कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करेगा, अच्छा सा वीडियो मैं उस वीडियोस को देखूंगा, तो ऑडियंस आपसे जुड़ पाता है। आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑडियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आज से दो महीना पहले, चलिए मई महीना में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मई में अगर आप देखेंगे तो मेरा ऑडियंस जो होता है ये होता है क्या, ये मेरा व्यूज, चैनल का व्यूज होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होता है ऑडियंस, ये इस जो व्यूज जो आया है इससे मुझे रिटर्निंग व्यूज कितना मिला है, यानी कि मेरा जेन्युइन जो डेली वीडियोस देखने वाला होता है वो व्यूज मुझे कितना मिला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको लेटेस्ट दिखाऊँ 28 दिन का, तो अब यहाँ पे देखो रिटर्निंग व्यूज मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बेनिफिट होता है, आपका रिटर्निंग व्यूज ज़्यादा होने लगता है अगर आप रेगुलर काम करते हो अपने चैनल पर तब। और दोस्तों अब मैं बात करूँगा सब्सक्राइबर की, तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऑडियंस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पहले मेरे चैनल पर, जब मैं यहाँ पे 90 डेज के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देख सकते मेरे चैनल पर पहले सब्सक्राइबर बढ़ता था सिर्फ 85-88 इस प्रकार से कुछ, यहाँ पे मतलब 100 से नीचे सब्सक्राइबर बढ़ता था। लेकिन अभी जब मैं अपने चैनल पर रेगुलर हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 28 दिन सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट 963 सब्सक्राइबर, यानी कि एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट। दोस्तों एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट, लोग यहाँ पे सालों में कंप्लीट नहीं कर पाता है, मेरे चैनल पर एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रेगुलर, तो रेगुलर रहने का यही बेनिफिट होता है, आपका सारा चीज़ आपका चैनल का जो होता है सब चीज़ इंक्रीज होने लगता है, चैनल का रीच ज़्यादा भेजने लगता है, यूट्यूब व्यूज ज़्यादा आने लगता है, आपका सब्सक्राइबर भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये एक सब काम होता है, अगर आप अपने चैनल पर रेगुलर रहते हो तो बहुत ही बेनिफिट होता है। तो आपको रेगुलर काम करना चाहिए अपने चैनल पर, आप सिर्फ ट्राई करके देखना है, एक मंथ आप ट्राई करके देखना, देखना आपका चैनल जहाँ नीचे था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाएगा आपका चैनल। पर्सनली मैंने इसको यूज किया हूँ, मेरे चैनल के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे।